या मम्मी बा या ऐसी मम्मी राम जी किसे ने ना दियो छोड़ देना बाबू यार प्लीज नहीं बेटा मेरा नहीं मेरी मम्मी तो भाई इतनी खतरनाक मम्मी किसे की जोड़ी चाहिए जो नुकेर का कुट्टा है तो भाई अभी शुरुआत कर लेते हैं नेक्स्ट व्लॉग की और अभी मैंने एक व्लॉग को एंड किया है बाय बाय अरे अभी तो शुरू हुआ है वेलकम कर दो वेलकम 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 तो भाई वेलकम हाँ अभी एक व्लॉग एंड हुआ है क्योंकि ये रुका नहीं बोलने से और अब फिर से शुरू हो जाएगा इससे पहले मेरे को लगा कि चलो मैं अपने व्लॉग शुरू कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक बार डिसकंटिन्यू कर देती हूँ ना तो फिर वो मुझे नहीं पता चलता कि कब शुरू होगा कब क्या होगा क्या चलता रहता है पता नहीं भाई मैं फिर खो जाती हूँ तो इसलिए मैंने आज से सोचा कि मैं कंटिन्यूसली आपके साथ व्लॉग शूट करती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी भाई बहुत सारे लोग हैं जो दिन में दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं सोचा मैं भी करूँगी भाई है ना हम भी दो दो तीन तीन वीडियो अपलोड करेंगे और बिल्कुल आपको तुरंत की खबर देते रहेंगे वो अलग बात है कि जब मेरे पास वाईफाई ना हो मैं बाहर हूँ तब की अलग बात है अदरवाइज़ घर पे तो वाईफाई रहता है यहाँ भी और वहाँ भी और कहीं और तीसरी जगह हो तो वो बात अलग है ना मामा बुआ मौसी मौसी तो खैर राम ने दी नहीं मैं भी अकेली हूँ और मम्मी भी एक ही है मौसी नहीं है तो भाई ये वाली टी शर्ट कई लोगों को पसंद आ रही है कलर इसका कलर भी काफ़ी सुंदर है ग्रेइश में और इसके साथ मैंने लोअर भी मंगवाया है ये वाला होजरी में ये बहुत कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा तो ये वाला नीचे से चाक में है ये वाली टी शर्ट इस तरीके से मतलब एक ना कमीज वाली वो आ जाती है कि लूज सा कमीज पहन लिया ना वैसी सी फीलिंग और मेरे पास टी शर्ट हो भी कम रखी थी तो इस टी शर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मेरा लिंक दे दूँगी मैं आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी हैं और प्रिंट भी बहुत सारे हैं मैंने इसका प्रिंट यही और जब मैं मंगवा रही थी ना उस दिन यही एक ही था स्टॉक में इस वाले कलर में और मैंने ये कलर आज तक पहना नहीं था तो मेरे को लगा कि चलो ये वाला नया सा कलर है तो ये वाला ट्राई कर लेती हूँ तो इस वजह से ये एक ही प्रिंट था उसमें तो फिर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है रियल कूल ही लिखा हुआ है रियल कूल स्टाइल हाँ तो इस वजह से फिर मैंने इसको मंगवा लिया था और ये वाला लोअर मैंने लोअर और भी मंगवाए हैं एक दो मैं फिर जब पहनूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी तो मेरा लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको जरूर चेकआउट करना पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ जो भी ढूंढ रहा हो ना मतलब घर में है यार आजकल तो सब ना तो सब ढूंढ रहे हैं कि लूज लूज कम्फर्टेबल से अच्छा सा फैब्रिक हो तो इसका फैब्रिक देखो आप वीडियो में ही देख पा रहे होगे ये वाला कितना सॉफ्ट सुंदर सा है और कलर भी सिंपल सोबर सा है गला भी अच्छा है तो मेरा लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा तो भाई ये है वो गुलाब जामुन जो मैंने बनाई थी कुछ लाइट कलर में मेरे को लगता है इनको मेरे को थोड़ा और डार्क करना चाहिए था ना और कुछ ये डार्क बनाई थी ये मैं ब्लैक बनाने की सोच रही थी पर ये ब्लैक नहीं ये तो रेड ही रहेगी तो चलो भाई एक दो जो बिल्कुल पहले की है ना उनको निकाल लेते हैं बहुत सॉफ्ट बनी है बहुत सॉफ्ट आप सब भी आ जाओ भाई खा लो भाई गुलाब जामुन खा लो लो खिला दो सबको खा लो भाई सारा खा लो अच्छा काट के दिखा दो कितनी सॉफ्ट बनी है लो अब क्या आपने तो बनवाई है भाई इतना बेकार बालक भी नहीं देखा है बनवाई है ना अपने आप ही अब जाओ अब मेरे से बात मत करना भाग जाए यहाँ से मैं तो नहीं खाऊंगी मैं तो नहीं खाऊंगी तो भाई ये देखो ये था फेविकोल का डब्बा और इसके अंदर बहुत सारी फेविकोल थी वो सूख मतलब गिल्ली गिल्ली से हो रखी थी तो मैंने कल इसको बाहर धूप में रख दिया था कि सूख जाएगी अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी बची हुई है वो नीचे तो अभी इसके अंदर से ये निकाला है हमने
ये पूरा मतलब एक ना डब्बा ही जैसा बना हुआ है, पर नीचे से गिल्ली गिल्ली है, तो उस वजह से फिर ये हमने मैंने फोल्ड करके रख दिया, तब ये चिपक चिपक सा गया। मैं इसको भाभी के ऊपर पे करी थी ना, भाभी के कैसे ऐसे पट कालो रावे ऐसे नहीं बोलते अंदर। तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी अभी बची हुई है, वो भी सूख जाएगी ना, वो भी सूख जाएगी, मतलब एक दिन में इतनी सूख गई तो वो कल वो भी सूख जाएगी। फिर इसको मैं यहाँ से कट वट करके ये सब उतार के इस पर पेंट वगैरह करके और इसको एक गमले का रूप देके बहुत सुंदर सा मैंने इसको कुछ सोचा है, इस पर कुछ कलाकारी करने का। हाँ नीचे फेंक दे, अरे भाई इब तू फेंक दे, नहीं फेंक दे, नीचे फेंकने के लिए क्या क्या काम करने की जरूरत है, और गाइज फिर इसको नीचे फेंक देंगे, तन्ने फेंक दो नीचे। हाँ। निकम्मा नहीं बेटे फेंकते थोड़ी, आप तो मेरे लड्डू बेटे हुए ना, पर आप तो मम्मी बन गए थे, आप फिर क्या हुआ, पहले मेरे को ये बताओ आप तो मम्मी बन गए थे फिर क्या हुआ। तो भाई 8 बज गए हैं, मैंने अभी तक आए नहीं है, वो हमें यही बोले जा रहे हैं 5 बजे से हमें वो यही बोले जा रहे हैं आ रहा हूँ। तो अभी उनको कोई और मिल गया, तो वो अपना कुछ था एक टॉपिक उस पर बात मतलब काम करने गए थे, तो जो हमारा दूसरा चैनल है हरियाणवी मखूल उसके रिगार्डिंग कुछ काम था, तो वो उसके पर्पज से गए थे। भाभी नीचे उतरो बेटी, मेरा चांद बेटा नहीं चूंद ले, तो वो नीचे उतरो नीचे, तो वो इस वजह से गए थे वहाँ पे बात करने के लिए। तो नहीं सही चल रहा है, पहले तो आप नीचे उतरो फिर बताना कि उल्टा या सीधा, यहाँ बैठ के बताओ क्या हुआ था। तो भैया हम जब यहाँ पे आए ना, तो हमारा एसी ऐसा है कि इसको हाथ लगाओ तो ये खराब हो जाएगा, मतलब इसको कुछ भी करने के लिए इसको हम टच करते हैं ना तो ये खराब हो जाता है। अब पता नहीं इसकी गैस भी निकल जाती है और इसमें 10 कमियाँ और अलग से आ जाती हैं। जितनी भी बार हमने इसको ऊपर से नीचे शिफ्ट किया था, पहले ऊपर से नीचे गया फिर नीचे से ऊपर किया और अब वहाँ से इसको यहाँ लेके आए हम, उतनी ही बार इसने 5-6 हज़ार रुपये लेके, और जब ये चला मतलब रुक जाना भाभी, मतलब इतने पैसे इस पर लग चुके हैं कि अगर हम उतने पैसों का अगर और एसी लेते तो बहुत अच्छा वाला एसी आ जाता। अच्छा ये भी है वर्लपूल का है, बहुत बढ़िया एसी है, बहुत बढ़िया, मतलब चलता है ना तो ये ओ जनरल वगैरह को भी फेल कर दे, इतना बढ़िया कूलिंग करता है। पर बस इसको हाथ लगाने की वो है, ये हाथ मत लगाओ इसको, बस हाथ लगाते ही खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे होते हैं कि हाथ लगाया और भाई बस ख़त्म खराब, कभी उसका आउटडोर नहीं चलेगा, कभी उसका कंडेंसर नहीं चलेगा, पता नहीं 100 सिस्टम होते हैं। अब यहाँ आने के बाद भी 6,650 रुपये ले गए तब ये चल रहा है। वो एसी जो रिपेयर करने आ रहे थे ना, मतलब जिन्होंने सर्विस की लगाया और वो किया गैस डाली, वो एक बार लगा के चले गए, फिर वो बार 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 विनय ना किसी को बार बार बोलते नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, पर वही मेरे को तो बोलना पड़ा भाई इतने पैसे ले लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे क्या इसमें घुस गया क्या हो गया इसमें। तो फिर वो आए, मैं बोली तो सीरियसली, तो वो आए उन्होंने बोला बहन जी मैं भी दुखी हो गया हूँ, ऐसा एसी ना किसी को मिला ही नहीं है कि चल के ही ना दे, तो ये वाला सीन है। तो अब तब हम यही बोलते थे कि आउटडोर देखो चल रहा है नहीं चल रहा, आउटडोर कट मार जाता था, आउटडोर की ये जो पंखा है ये वाला उल्टा चलने लग जाता था। तो अभी भाभी वही बोल रही कि हमारा आउटडोर उल्टा चल रहा है। भाभी के फोन आ गया, दूसरा फोन लेके आओ अंदर से जल्दी जा बाकी। किसका है बेटी? पापा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो भाई उन्हें आ गए बोल दे गेट खोल दे, भाभी का आराम से आना बेटी। तो चलो और यहाँ पे पोछा बाल्टी भी रखी है, फोन कर लग गए हैं
कती भाई बहुत भूंडा आदमी है। हाँ क्या देख रहा है उनकी भाभी का पी दिया चोर आ गया। रुक जाओ बनी, चलो भाई गेट बंद कर देते हैं। लॉक एक लगा दूँ, लॉक लगा दूँ।